ओम शांति। 13 जून 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं, तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े, तब राजाई में जा सके। गीत, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परमपिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे। बरोबर यह दुख धाम है, तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं? शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? कृष्ण तो नहीं सिखला सकता, वह तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं, मेरा जन्म कोई कृष्ण सदृश्य नहीं होता। कृष्ण कैसे माँ के गर्भ से जन्म लेता है? वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत के दो अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है। सभी को जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, यही कल्याणकारी संगम युग है, सतयुग के बाद तो
फिर दो कला कम हो जाती हैं। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं, तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान गति सदगति करना, ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वह जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी हैं, सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य त्रेता में दो कला कम हो जाती है। वहां रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। यह सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था, कहते थे परमात्मा बेअंत है। बेअंत कहे फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत् त्वम कह देते हैं, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते, यह फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सब समझाने की बातें हैं ना। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझें, तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है, तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, इतना समय पार्ट बजाया है, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया
जो ऐसे ऊंच बने। अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं, यह देह का भान छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकाल दर्शी बनते हैं, बनाने वाला है बाप। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो, विष्णु कोई त्रिकाल दर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं, वास्तव में त्रिकाल दर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण, भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं, ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए, इस समय सभी शूद्र हैं। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, गीत में भी सुना प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं, अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो, प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रही हैं। कितना अच्छा प्रीतम है, कहते हैं कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है, सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया है, गीता भागवत रामायण वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं, ऐसे नहीं परंपरा से यह कोई चले आते हैं, यह तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, यह सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी, 5000 वर्ष की बात है। सो भी शुरुआत में, फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरों जवाहरों का मंदिर बनाया उनका अपना महल क्या होगा, नाम कितना ऊंच है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बिचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अक्ल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल हैं, तब तो कंगाल हुए हैं ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही।
जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं, विलायत जाऊंगा क्या? जो नंबर वन पावन पूज्य था अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है, अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता है। यह है अंतकाल का समय, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है, बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि निकाल माँ में कम याद करो, इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, यह वर्ण है ही तुम भारत वासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्व शक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी, इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना, तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है व नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। धारणा होगी नहीं क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवानुवाच
मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पार लौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है, वह खुद ही बाप, टीचर, सतगुरु है। बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो, यह है ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे, 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुख धाम बनाती है, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। दूसरा, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन, कर्म योगी बनना है तो कमल आसन धारी न्यारे और प्यारे बनो। ओम शांति।